आपको ऑक्सीजन का केमिकल जो टर्मिनोलॉजी में अगर कहना हो कि ऑक्सीजन का साइन क्या है तो सिर्फ एक होता है ओ अगर हमने पानी का केमिकल नाम पूछ पूछे कहें क्या है तो वहां हम लंबी व्याख्या में नहीं जाते हम बोलते एच टू ओ बस बात खत्म होगी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है ये इतनी लंबी ज्ञान में नहीं जाते हैं ऐसे ही जब कहा परमात्मा का मूल स्वरूप क्या तो परमात्मा का मूल स्वरूप एक ओंकार बस उसके बाद जो कुछ है वो तो डेफिनेशन हो गई मूल क्या है मूल है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नजदीक से नजदीक अगर हम ले आए तो बस इतने ही दो शब्द और आ सकते हैं सत गुरु और प्रसाद अब इसका आमतौर पे अर्थ जो किया जाता है वो कहते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक ओंकार परमात्मा है और सतगुरु की कृपा से जाना जाता है अब ये फिर उचित व्याख्या नहीं है एक ओंकार सत गुरु प्रसाद सत अर्थ है ट्रुथ गुरु का अर्थ चैतन्य फिर कह दू ये मूल की बात हो रही है द्वंद रहित होता है गुरु कहेंगे तो चेला आ जाएगा गुरु कहेंगे तो सच्चा गुरु झूठा गुरु चेला कहेंगे सच्चा चेला कपटी चेला तो ड्वेलिटी आ जाती मूल स्वरूप में डुअलिटी नहीं हो सकती है दुविधा द्वैत नहीं हो सकती हैज टू बी परफेक्ट सो अ परफेक्ट मास्टर डिफाइन्स गॉड इन अ परफेक्ट वे सिंपली बाय सेइंग एक सत गुरु प्रसाद एक है ओंकार है सत, गुरु ये गुरु चेले वाला गुरु नहीं यहां पर यहां गुरु का अर्थ है चेतन चेतना द सुपर कांशसनेस प्रसाद प्रसाद का अर्थ यहां खाने वाला प्रसाद नहीं है यहां प्रसाद का अर्थ कृपा भी नहीं है यहां प्रसाद का अर्थ है आनंद एक ओंकार सत गुरु प्रसाद श्रीमुखबाकशाही दसवीं क्योंकि लेखक गुरु गोविंद सिंह है और गुरु नानक के बाद गुरु परंपरा जो चली उसमें आपका दसवां अंक है दसवां नंबर है इसके पहले नौ हो चुके हैं लिनेज जो चल रही है उस लिनेज में ही स्टेंस तो लिख रहे हैं दसवा छपे छंद त्वी प्रसाद छपे छंद का अर्थ क्या है छंद कविता करने का एक ढंग होता है गीत बोल टप्पे गजल छंद छंद कविता करने कविता बोलने का एक तरीका हो छंद काव्य के अनुसार दस तरह के होते हैं और ये दस छंद में से पहला छंद जो पहला स्टाइल है उसको आपने दिया है और वो है छपे मतलब आगे जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये छंद की रचना छपे छंद प्रकार में की है सो so, मेटिकुलस कितना स्पष्ट और कितना सुंदर कि जिस ढंग को मैं कहने जा रहा हूं जिस स्टाइल में जिस शैली में मैं अपनी इस रचना को कहने जा रहा हूं वो शैली का ढंग भी बता रहे हैं कि इस शैली में होगा गुरु नानक और गुरु गोविंद नानक पहले हैं गोविंद दसवें और हम कह सकते हैं कि देहदारी गुरुओं में सिख परंपरा में गुरु नानक पहले हैं और गुरु गोविंद आखिरी दोनों का तुलनात्मक स्वरूप अगर आप देखें तो गुरु नानक पढ़े नहीं पढ़ा के वापिस आ गए थे ना पंडित से पढ़े ना काजी से न मौलवी से दोनों से नहीं पढ़े गुरु गोविंद सिंह पढ़े हैं न केवल एक भाषा में बल्कि एक से अधिक भाषाओं में और जाप साहब मेरी दृष्टि में गुरु गोविंद सिंह की सबसे डाइवर्स विभिन्न भाषाओं विभिन्न ढंगों और अपनी विद्वता का एक अचूक नमूना दिया है नानक ने सिमरन पे जोर दिया पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि उस समय के हुक्मरानों ने इतना जुल्म और जबर फैला रखा था कि उस जुल्म और जबर का मुकाबला अगर सिमरन से करें जो करते रहे तो उसका नतीजा यह हुआ था पहले गुरु अर्जन देव शहीद कर दिए गए उसके पहले जितने तीन गुरु हुए उनको भी कोई बहुत सुकून से जीने को नहीं मिला था बाबर की जेल में कैद हुए थे नानक मुगलों के साथ तनातनी हमेशा ही बनी रही है नौमे गुरु खुद गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर दिल्ली में शहीद कर दिए गए थे न केवल उनको बल्कि उनके साथ उनके बहुत सारे सिखों को कष्ट देकर टॉर्चर करते हुए उन्हें मार दिया गया था तो गुरु गोविंद ने उस समय के हालातों को सामने रखते हुए यह सोच लिया था कि अब सुमिरन के साथ साथ शस्त्र साधना को भी जगह देनी होगी जब हुक्मरान ही कातिल हो जाएगा तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा तो आपकी सुरक्षा के लिए आपको ही अपनी शक्ति स्वयं बनना होगा शास्त्र चिंतन नानक की फिलॉसफी रही थी शास्त्रों के आधार पर सुमिरन गुरु नानक की फिलॉसफी रही थी गुरु हरगोबिंद से शस्त्र धारण हो गए थे लेकिन शस्त्रों का प्रचलन और प्रैक्टिस अपने अपने सिखों अपने शिष्यों के बीच में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चलाया ऐसा उन्होंने कहा था कि जो भी कोई मेरे दर्शन के लिए आए वो खाली हाथ तो वैसे भी नहीं आने वाला है लेकिन अब तुम जब आओ तो या तो घोड़ा या तो कोई शस्त्र वो लेकर के युद्ध हो रहा था युद्ध के समय चल रहे थे कभी हिमाचल के पहाड़ी राजाओं से युद्ध हो जाता था कभी मुगल सेना से रोज ही हो रहा और अपनी जान प्राण बचाने के लिए जिंदा रहोगे तो शास्त्रों का चिंतन करोगे ना जिंदा रहोगे तो सुमिरन करोगे ना जिंदा रहोगे तो तो ध्यान करोगे ना अगर मार दिए जाओगे तो क्या करोगे पै को देत नह, नह पै मानत आन नवीन व्याख्या दी हम किसी को डराएंगे नहीं पर किसी से डरेंगे भी नहीं हम किसी को मारेंगे नहीं पर कोई अगर हमें मारने आएगा तो गर्दन नीचे करके मर भी नहीं जाएंगे नहीं व्याख्या दे दी शास्त्र भी शास्त्र भी दोनों एक तरफ शास्त्र के धनी है और उस नाते आपने बहुत सारे कवियों को अपने दरबार में जगह दी थी और कहते हैं उस समय पर आपके पोंटा साहब में जो दीवान लगता था उस दीवान में बावन फिफ्टी टू बावन कवि मौजूद होते थे फारसी उर्दू अरबी संस्कृत ब्रज हिंदी पंजाबी इन सभी भाषाओं में कविताएं लिखी जाती थी और गुरु से प्यार गुरु घर से वफादारी परमात्मा का सुमिरन आत्मरक्षा, रक्षा वीर रस इन सभी मुद्दों के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी और इन कवियों से पढ़वाई जाती थी बड़ा अजब ढंग एबसुलट रेवोल्यूशनरी फेस ऑफ गुरु नानक फिलोसफी सुबह में अगर सुमिरन होता है तो दोपहर में कभी दरबार और शाम को शस्त्रों की ट्रेनिंग अधूरा नहीं छोड़ा बुद्धि में ज्ञान हो मन में आत्मबल हो हाथ में शस्त्र हो जो अपनी रक्षा सुरक्षा कर सके और अंतरात्मा में परमात्मा का प्रेम हो जाप साहब के इन सभी बंधों में इन सभी पंक्तियों में आप कहीं वीर रस को और कहीं प्रेमा भक्ति को और कहीं वेदांत को और कहीं भक्ति को पाओगे कारण है कि इस ग्रंथ की अपने आप में बड़ी अद्भुत महिमा त्व प्रसाद शुरू का पहला शब्द जो दिया है वह है त्व त्व माने तुम्हारा संस्कृत त्व संस्कृत में जाए तो हम कहेंगे त्वम मैं अहम दूसरे को कहें तो त्वम संस्कृति दूसरी एक भाषा उपभाषा है संस्कृत की जिसमें कहा त्वय त्वय प्रसाद प्रभु तेरी कृपा से तेरी ही कृपा से जो कुछ कहा जाएगा वो सब तेरी ही कृपा से <clears throat> चक्र चैन अर बर्ण जात अर पात नहिन जय चक्र अब चक्र शब्द के बहुत अर्थ होते चक्र का अर्थ सर्कल भी है गोल आकार को भी हम चक्र कहते चक्र का अर्थ दिशा भी होता है चक्र का अर्थ रेखा भी होता है आपको मालूम आपकी उंगलियों के सिरों पर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वो कहते हैं जिनकी उंगलियों के पोर पर चक्र होते हैं हर चक्र छिन्न होता है कि इस व्यक्ति के पास धन होगा अकल होगी विद्या होगी सम्मान होगा प्रतिष्ठा होगी शक्ति होगी कि नहीं होगी जिसकी उंगलियों के सिरों पर दस चक्र हों कहते वो चक्रवर्ती राजा बनता या वो बुद्ध बनता है दस चक्र होता चिन्ह चक्र अर अरबरण जात चक्र चेहन जिसका कोई चिन्ह नहीं चेहन अर्थ चिन्ह चिन्ह माने साइन जिसके बारे में कोई साइन नहीं बनाया जा सकता है जिसके बारे में हम कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं वर्ण जात जिसका कोई वर्ण नहीं है जिसकी कोई जाति नहीं है और पात नहीं जे अब ये बात किसकी कर रहे हैं थोड़ा चलो वापिस एक ओंकार सतगुरु प्रसाद परमात्मा के मूलभूत स्वरूप की बात हो रही है। बीच में बस इतना क्योंकि ग्रामेटिकली या इंटेलेक्चुअली अगर हम कहें तो वो बताना जरूरी था कि किस ढंग में जाप साहब को आज तक कभी गाया नहीं गया लेकिन याद रहे हमारे लोकगीत में छंद गाए जाते हैं और बड़ी हैरत मुझे होती है कि सिख जगत में आज तक जाप साहब गाने का रिवाज ही नहीं कोई गाता ही नहीं क्यों क्योंकि मुश्किल पड़ेगी क्योंकि भाषाएं बहुत सी आएंगी इसमें फारसी आएगी अरबी आएगी ब्रज आएगी अवधि आएगी पंजाबी आएगी संस्कृत आएगी तो सब भाषाएं आती होंगी तो भी गा पाएगा छंद हमेशा गाए जाते हैं धीरे धीरे आज का इंसान अपनी सब चीजों से कटता छटता चला जा रहा है आज की शादियों में नहीं रह गई लेकिन शायद तुम्हें याद हो तुम्हारी शादियों तक दुल्हों से छंद सुने जाते थे छंदों में सवाल और छंदों में जवाब मांगे जाते थे और शादी से पहले दूल्हे राजा बैठकर छंदों को याद कर रहे होते थे क्योंकि अगर छंद ना बोल सके अगर छंद में पूछे गए सवाल का जवाब छंद में न दिया गया तो ससुराल में ना कट जाएगी कि दूल्हे को अकल ही नहीं उसे समझ ही नहीं उसे पता ही नहीं छंद को गाने की रीति है तो गुरु गोविंद अपने प्यारों को जो भी कोई कल उनकी वाणी को पढ़ेंगे उन सबका ध्यान रखते हुए उनको बता रहे हैं कि ये जिस ढंग में मैं लिख रहा हूं ये कौन सा ढंग होगा ताकि तुमको गाने में सुविधा हो जाए अब आप कहोगे इतनी दूर तक की सोच क्यों भाई क्यों नहीं गुरु नानक के घर से संगीत हमेशा जुड़ा रहा है मर्दाने का सरंदा और नानक की बाणी का जोड़ तो हमेशा रहा नानक जहां कहीं गए हैं मर्दाना अपनी रबाब लेके हमेशा साथ गया रात हो दिन हो किसी भी समय जब भी कभी मौज आई है तो नानक कहा करते थे मरदा ने छेड़ो रबाब रबाब छिड़ती थी तो नानक के कंठ से वाणी उचरित होती थी संगीत और गुरु का रिश्ता बड़ा गहरा है बड़ा गहरा